पैक्ट राउंड, हमने बोर को नोबेल प्राइज दिया, ये ऐसा हम सब जानते हैं। किसके लिए दिया? बोर मॉडल के लिए? नहीं। वेलोसिटी कैलकुलेशन के लिए या नहीं? रेडियस कैलकुलेशन के लिए? नहीं। उसने जो भी थ्योरी दी वो अलग थी, उसके लिए मेन था हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाना, ठीक है। हमने उसके लिए बोर को नोबेल प्राइज दिया। एक्चुअल में हुआ ये था कि हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम निकाला, हमने क्या बोर ने ही निकाला था प्रैक्टिकली, तो देखा कि वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं था, वो एक डिसकंटिन्यू और लीनियर स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा था, सही है। तो किसी ने ये नहीं समझा पाया था कि वाई द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज लीनियर। तो ये हमारे पास था और हमने उसी को एक्सप्लेन किया बोर ने, और उसी के लिए हमने उसे क्या दिया? नोबेल प्राइज। तो क्वेश्चन क्या था? वाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज लीनियर, लीनियर, ये हमारे पास पॉइंट था। तो इसके लिए पहला पॉइंट क्यों लीनियर है, उसका फर्स्ट पॉइंट आएगा द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एटम के अंदर क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है, सही है। व्हेन इलेक्ट्रॉन, सेकंड पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल, देन एनर्जी लिबरेट इन फॉर्म ऑफ लाइट, इन फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट को यहां पर अपन क्या बोलेंगे? फोटोन, एंड थर्ड पॉइंट द वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स डिफरेंस ऑफ ऑफ एनर्जी बिटवीन टू शेल या टू ऑर्बिट एंड एनर्जी ऑफ शेल इज क्वांटाइज्ड, सो गैप इज क्वांटाइज्ड। अगर एनर्जी क्वांटाइज्ड है तो गैप भी क्वांटाइज्ड है, एंड वी नो एनर्जी गैप इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी गैप इज क्वांटाइज्ड, सो वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन इज क्वांटाइज्ड। अब एमिटेड फोटोन क्वांटाइज्ड है तो इसका मतलब फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या होगा? वी गेट सम स्पेसिफिक वैल्यू, वैल्यूज ऑफ एमिटेड फोटोन, फोटोन एंड जनरेटेड स्पेक्ट्रम इज लीनियर नॉट कंटिन्यूस,
नॉट लीनियर का मतलब हमारे लिए हो गया डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस। आप डिसकंटिन्यूस को ऐसे समझिए कि ये आपके पास स्पेक्ट्रम है, आपको हर एक एनर्जी का लाइन तो मिलेगी नहीं, कुछ मिल गई आपको यहाँ, फिर गैप मिलेगा, फिर यहाँ, फिर हो सकता है बहुत पास पास मिल जाए। तो कुल मिला के आपको इस तरह के लाइंस मिलेंगी, तो ये आपके पास क्या हो गया, लीनियर मिलेगा। या सुनो, तो यहाँ बहुत पास पास हो सकती है और हो सकता है एक दूसरे में स्पेक्ट्रम ही मर्ज होने लग जाए आपके पास। तो ये कुल मिला के हमारे को इस तरह का एक स्पेक्ट्रम बनेगा, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक एग्जाम्पल होगा। हर लाइन आपको नहीं मिल रही है, ठीक है, क्योंकि गैप आपका क्वांटाइज्ड है, गैप आपका क्वांटाइज्ड है। आप मान सकते हैं कि एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन टू लेयर्स, टू इस ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड, तो आपको लाइन भी क्वांटाइज्ड ही मिलेगी। समझ में आ रहा है, क्वांटाइज का मतलब हर वैल्यू पॉसिबल नहीं होना, और हर वैल्यू पॉसिबल नहीं होना तो लाइन्स मिलेंगी, बीच में डार्क लाइन भी मिलेगी, जो नहीं होती वो डार्क लाइन होती है। तो आपका स्पेक्ट्रम कैसा होगा, लीनियर या कंटिन्यूस, लीनियर। कंटिन्यूस कैसा होता है वो आपको मैंने अलग से थ्योरम बताई है, पूरा पूरी एनर्जी मिलना। जैसे सनलाइट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, आपको एक मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम मिलेगा, न कि एटम का, और मॉलिक्यूल का भी नहीं, बहुत सारे मिक्सचर के मॉलिक्यूल्स का मिलेगा, मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ हम एटम की बात कर रहे हैं, तो एटम का स्पेक्ट्रम क्वांटाइज होता है, मिक्सचर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। या सुनो, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई, तो ये आपके पास एक पॉइंट हो गया। लेकिन अब आपके पास आएगा कैलकुलेशंस ऑफ वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन, अगला हेडिंग आप डाल दीजिए। कैलकुलेशंस ऑफ वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन, तो ये हमारे लिए किस तरह से वर्क करती है, देखो ध्यान से, शुरू करें। तो हमें क्या करना है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास ऑर्बिट है, बहुत सारे ऑर्बिट हैं, मान लीजिए ये एन वन है और यहाँ एन टू है, इस तरह से जम मारा है इलेक्ट्रॉन। तो जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा ये सिर्फ और सिर्फ फोटोन के रूप में आएगा। तो कुछ खास बातें कि जब यहाँ से ये इस तरफ जाएगा तो ये एनर्जी इस तरह से आएगी, समझ में आ रहा, और जब ये यहाँ से इस तरफ से जाएगा तो ये एनर्जी इस तरह से एब्जॉर्व होगी, उल्टा एब्जॉर्व होगी। तो इसको बोलेंगे हम एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम, इसको बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम, पक्का। तो दो तरह के स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाएंगे, एमिटेड स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम, और लो से हाई जाएंगे तो एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम, सही है, कोई दिक्कत ही है। एक एलिमेंट के लिए एनर्जी गैप क्वांटाइज है, तो एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम और एमिटेड स्पेक्ट्रम क्या होगा, सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अंतर नहीं होगा स्पेक्ट्रम की बात करें तो। लेकिन हम उसको रिजल्ट्स को बाद लिख लेते हैं, लिख ही लेते हैं। पहला रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एन स्पेसिफिक एटम, फॉर एन स्पेसिफिक एटम, इफ इलेक्ट्रॉन जंप हाई एनर्जी लेवल टू लो लेवल, लो एनर्जी लेवल, देन इट विल जनरेट एमिशन स्पेक्ट्रम। स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम की जगह आप स्पेसिफिक एटम बात करें, इफ इलेक्ट्रॉन जंप हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल देन इट विल जनरेट एमिशन स्पेक्ट्रम। फॉर सेम एलिमेंट या सेम एटम, इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लो टू हाई एनर्जी लेवल,
देन इट जनरेट इट जनरेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दोनों ही। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, खास बात क्या आ रही है, बोथ स्पेक्ट्रम, बोथ स्पेक्ट्रम यानी एमिशन हो या एब्जॉर्प्शन, एमिशन और एब्जॉर्ब, हैविंग सेम नंबर ऑफ लाइन्स, सेम नंबर ऑफ लाइन्स इन स्पेक्ट्रम। बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ लाइन्स सेम होगी, यानी कि टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम भी सेम होगा, बस अंतर क्या होगा कि जब मैं स्पेक्ट्रम में भी आपको पढ़ा चुका हूँ, आप स्पेक्ट्रम वाला मेरा लेक्चर देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने आपको बताया था जब एमिशन होता है तो ब्लैक बैकग्राउंड पे व्हाइट लाइन जनरेट होती है, और जब एब्जॉर्ब होता है तो व्हाइट बैकग्राउंड में ब्लैक लाइट दिखती है, ब्लैक लाइन दिखती है, लेकिन लाइन की डिस्टेंस, वेवलेंथ सब कुछ क्या होती है, सेम होती है, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी भी सेम होगी। हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम हो या एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम हो, बिल्कुल नंबर ऑफ लाइन सेम होगी। आ रही है बात समझ में? ये तो हमारे पास रहा हाइड्रोजन के लिए, लेकिन हमारा मेन आर्टिकल क्या था, कैलकुलेशंस ऑफ वेवलेंथ ऑफ एमिटेड, तो जो फॉर्मूला एमिटेड के लिए लगेगा वो एब्जॉर्ब के लिए भी लगेगा, कुल मिला के ये चीज मेरे को समझानी है। तो चलिए अगला पॉइंट जो हमारा बन के आएगा वो यही आएगा, कैलकुलेशंस ऑफ वेवलेंथ। तो कैसे करेंगे हम कैलकुलेट, देखो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, यहां एनर्जी कितनी है, ये n इक्वल टू वन, n इक्वल टू टू, तो यहां एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी की बात करते हैं हम, माइनस कितनी है 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो ये एन टू स्क्वायर हो गया क्योंकि टू से वन में आ रहा है, और यहां टोटल एनर्जी कितनी है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन वन स्क्वायर। तो जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ऑफ फोटोन किसके इक्वल होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन किसके इक्वल होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी डेल्टा टोटल एनर्जी, इन दोनों की टोटल एनर्जी का डिफरेंस होगा, पक्का, ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नीट्यूड में देखते हैं क्योंकि यहां पर हमेशा बात मैग्नीट्यूड की होगी, फोटोन जो वेवलेंथ है वो एमिटेड हो या एब्जॉर्ब हो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, तो यहां मैग्नीट्यूड होना जरूरी है। तो अब बताइए कौन सी एनर्जी ज्यादा है, ये वाली ज्यादा है, तो हमेशा हाई माइनस लो ही होगा हमेशा मैग्नीट्यूड से, तो क्या होगा आपके लिए देखा जाए तो 13.6 जेड स्क्वायर बाई, देखिएगा हाई माइनस लो लिखना है, समझ में आ रहा है, तो माइनस ये हमारे पास हाई है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन, ये एन टू स्क्वायर, ये एन वन स्क्वायर, बोलो क्लियर है, तो आपके पास ये वैल्यू क्या होगी, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स। तो ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा किसका, एनर्जी ऑफ फोटोन, और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा, ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, मैं सबको एमकेएस में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, वन बाय लैम्डा, ये माइनस नहीं लिया मैंने, यहां माइनस नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स। सारी वैल्यू जब मैंने कर दिया, एच सी को एच कॉन्स्टेंट है, सी कॉन्स्टेंट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज कर दिया, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी,
कांस्टेंट आ जाएगी, और ये रीड बार कांस्टेंट कहलाएगा, जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? ये होगा लैम्डा, और वन अपॉन लैम्डा को क्या बोलते हो? वेव नंबर। ये है वेवलेंथ, ये है वेव नंबर, और ये कितना हो जाएगा? रीड बार कांस्टेंट जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। ये दोनों ही रिजल्ट आपके लिए बहुत काम के हैं, जो कि बताते हैं कि एक लैम्डा की वैल्यू या लैम्डा बार की वैल्यू क्या होगी। जब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या ऊपर भी लगा सकते हैं बाहर, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे जंप मारता है। क्या बेटा? अरे वाह क्या बात है, म्यू बार होगा, वेव नंबर को म्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं हम। सही कहा आपने, लैम्डा बार से नहीं म्यू बार से। तो क्या चीज क्लियर है आपके साथ? हाँ ये सब चीजें आपको समझ में आ रही है। लेकिन मेरा एक और फॉर्मूला है, अगर मैं लैम्डा लिखना चाहता हूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन टू स्क्वायर माइनस एन वन स्क्वायर इसी से अपॉन रीड बार कॉन्स्टेंट जेड स्क्वायर एन वन स्क्वायर एन टू स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? ये फॉर्मूला और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट लैम्डा को बता देगा इजी वे में, इसलिए मैं न्यूमेरिकल करते वक्त इस फॉर्मूले को ज्यादा यूज करने की कोशिश करता हूँ। आप भी लिख लीजिए, लेकिन आपके दिमाग में आएगा सर रीड बार कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होगी? आर एच की वैल्यू 1.1 इंटू 10^7 मीटर इनवर्स। तो आप पहले मीटर में निकाल लेना और फिर अंगस्ट्रम में चेंज कर ही सकते हो, कर सकते हो आप। मीटर को अंगस्ट्रम में कैसे चेंज करना है वो आपको आना चाहिए, मैं कुछ एग्जांपल कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? लिखिए, पढ़ेंगे एनर्जी से रिलेटेड, क्लियर है? फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां न्यूक्लियस है, ये मेरे लिए कुछ ऑर्बिट है अलग अलग, अगर एक इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहां से यहां जंप मार जाता है, और एक बार ऐसा भी हो सकता है कि वो दो स्टेप में मार रहा है, सही है? मान लीजिए यहां पर डायरेक्ट मारता है तो लैम्डा वन है, और स्टेप्स में मारता है तो लैम्डा टू लैम्डा थ्री है। तो इस जगह अगर हमसे पूछा जाए, ये एन इक्वल टू कुछ भी दे दिया एन वन एन टू एन थ्री, हमसे पूछा जा रहा है फाइंड रिलेशंस बिटवीन लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री। आप कैसे करेंगे? क्या आप एनर्जी कंजर्व होता है? यस, एनर्जी कंजर्वेशंस लगा सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक एग्जांपल हो गया बाय अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशंस। अगर आपने एनर्जी कंजर्वेशन लिख दिया तो मान लीजिए यहाँ एनर्जी ई वन एमिटेड होती है, ई वन और वहां पर ई टू ई थ्री, तो ई वन इज इक्वल टू ई टू प्लस ई थ्री लिख सकते हो। बोलो यस और नो? तो यहाँ आपके पास क्या हो सकता है, अगर आप ई वन की वैल्यू देखते हो लैम्डा, जो भी एनर्जी यहाँ से लिबरेट होगी वो क्या होगी? एस सी बाय लैम्डा वन इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा टू इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा थ्री। तो आपके लिए क्या हो जाएगा? वन अपॉन लैम्डा वन इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा टू इज, ये प्लस आएगा यहाँ पर वन अपॉन लैम्डा थ्री। तो लैम्डा वन की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा टू लैम्डा थ्री अपॉन लैम्डा वन टू प्लस लैम्डा थ्री, ये वैल्यू आपके आ। ये तो रहा लैम्डा के लिए रिलेशंस। अगर म्यू में पूछा होता तो क्या लिखते हैं? एच म्यू वन इजिकल टू एच म्यू टू इजिकल टू दिस। तो एक और रिजल्ट आपके पास बन जाता म्यू वन इक्वल टू म्यू टू प्लस म्यू थ्री, इसमें कोई दोराय नहीं है, ये आप खुद से प्रूव करिए, कर सकते हो। कोई डाउट आ रहा है इसमें समझने में? नहीं है, लिखो आप इसको। तो अगर मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं, मैं यही नहीं, मेरे पास ये न्यूक्लियस है छोटा सा, ये एन इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट एन इक्वल टू वन में जा रहा है, और एक ऐसे जा रहा है। तो यहां हमारे पास लैम्डा वन है, ये लैम्डा टू है, ये लैम्डा थ्री है, लैम्डा फोर है, लैम्डा फाइव है, और ये लैम्डा सिक्स है। तो आप यहां डायरेक्ट बोल सकते हो वन अपॉन लैम्डा वन इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा टू प्लस वन अपॉन लैम्डा
थ्री प्लस वन अपॉन लैम्डा फोर प्लस वन अपॉन लैम्डा फाइव प्लस वन अपॉन लैम्डा सिक्स। अब आसानी से ये कह सकते हैं ना, तो कोई बहुत ज्यादा काम दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आपको समझ में, वन अपॉन लैम्डा सिक्स वहां लिख दीजिए, या म्यू वन इक्वल टू म्यू टू प्लस म्यू थ्री प्लस डॉट 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 म्यू सिक्स। तो ये भी आप कर सकते हैं, एक जनरल वैल्यू के आधार पे मैंने ये लिखा है। लेंथ के लिए बात करना है, ठीक है, और हमने स्पेक्ट्रम सीरीज हमारा मेन हेडिंग रहेगा आज, तो हम उसी पे बात करेंगे कि स्पेक्ट्रम सीरीज कैसे चल रही है। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए, और हेडिंग रहेगा हमारा स्पेक्ट्रम सीरीज। ये स्पेक्ट्रम सीरीज का मतलब, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर लाइमन, लाइमन लाइमन सीरीज। कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से जंप मारे, लेकिन कहां, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो उससे बनने वाली जितनी भी वेव्स हैं उन सबके कंबाइंड स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलेंगे, लाइमन स्पेक्ट्रम। तो मैं आपको सीधा सीधा बताने की कोशिश कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू फर्स्ट ऑर्बिट देन जनरेटेड स्पेक्ट्रम लाइन या जनरेटेड स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइमन। यानी जो भी हमारे पास एक सैंपल लिया हुआ है हाइड्रोजन गैस का, जिसमें इलेक्ट्रॉन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन कहीं से भी जंप मारे, लेकिन जंप कहाँ रहेगा, फर्स्ट शेल में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लाइमन। तो देखिए, मान लीजिए ये एन इक्वल टू क्या है, इनफाइनाइट, क्या है ये, इनफाइनाइट, एन इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, इन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, वन तो ये खुद ही हो गया, तो ये हमारे पास हो सकता है कोई भी एनर्जी गैप, ये जितनी भी लाइन्स है हमारे लिए, ये सभी लाइनें हमारे लिए लाइमन सीरीज की होगी। पक्का, ये हमारे लिए लाइमन सीरीज जनरेट करेगी। अब बताइए कि अगर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइमन सीरीज के लिए लिखना चाहें, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे, यानी कि की पॉइंट्स आपके पास क्या होंगे, फर्स्ट फर्स्ट की पॉइंट आपका रहेगा द वैल्यू ऑफ वन बाय लैम्डा रीडबर कॉन्स्टेंट जेड स्क्वायर वन अपॉन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर। समझ में आ रहा है, यानी कुल मिला के अगर आप इसको पहले एन वन एन टू लिखना चाहते हैं, जो कि मेन फॉर्मूला है, तो आप एन वन की वैल्यू तो वन हो ही गई, एन टू की वैल्यू क्या हो सकती है, वो तो कुछ भी हो सकती है, एन टू की वैल्यू लेकिन हाँ होगी वन से बड़ी, तो टू थ्री फोर कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, तो यहां हमारे लिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हो सकते हैं, फॉर फर्स्ट लाइन, हाँ लिख सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन को हम बोल सकते हैं अल्फा लाइन, अल्फा का मतलब भी वन ही होता है और फर्स्ट का मतलब भी क्या होता है, वन होता है, क्लियर है, फर्स्ट लाइन अल्फा लाइन, और एक और नाम हम लिख सकते हैं स्टार्टिंग लाइन,
यानी स्टार्ट होने वाली लाइन, या आप बोल सकते हो मिनिमम एनर्जी लाइन, या बोल सकते हो मैक्सिमम वेवलेंथ आप भी जानते हैं अच्छे से कि एनर्जी अगर मिनिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन, ये सब हमारे साथ आएगा वेवलेंथ के साथ, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन। तो इसके लिए n1 की वैल्यू तो हमेशा फिक्स है 1, n2 की क्या होगी वैल्यू? जस्ट ऊपर से जब माने, मिनिमम एनर्जी कौन सी होगी? ये फर्स्ट लाइन की ही मिनिमम एनर्जी होगी, जस्ट ऊपर से जब मान ले। तो n2 की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो अगर आपको इसके लिए लैम्डा निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, या डायरेक्ट लिख सकते हैं लैम्डा 2 इक्वल टू, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर अपॉन रीडबर कॉन्स्टेंट जेड स्क्वायर। फिर इसके अलावा क्या लिखोगे? यहाँ आएगा n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। ये फॉर्मूले से अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं इस चीज को इस फॉर्मूले से नहीं करना चाहता, लंबा हो जाएगा। देखो कैसे लंबा हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1, 2 का स्क्वायर 4, रीड बर कॉन्स्टेंट 1.1 इंटू 10 पावर 7, जेड स्क्वायर अगर हाइड्रोजन है तो 1, और n2 स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 3। समझ में आ रहा है? तो क्या आप कर सकते हो इसको? देखिए ये लगेगा लगभग 1.1 यानी 3.3, और ये 4/3.3 आपके पास आएगा लमसम 1.2 के आसपास। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर इनवर्स, जिसको आप बोल सकते हो लगभग 1200 अंगस्ट्रम, अप्रॉक्सीमेट ये 1210 अंगस्ट्रम होगा। यस और नो? क्या अल्टरनेट मेथड है हमारे पास? हाँ। आप मुझे बताइए यहाँ एनर्जी कितनी है? -13.6। पहले देखिए यहां एनर्जी कितनी है, -3.4। एनर्जी डिफरेंस कितना है यहां पर? एनर्जी डिफरेंस कितना है? 10.2। तो अल्टरनेट मेथड्स जो कि आपके लिए लगेगा यहां पर, सेकंड मेथड, तो मैं आपको बताना चाहूंगा लैम्डा की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, डेल्टा ई अपॉन 12000, उल्टा बोलें 12400 अपॉन डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और 12400 डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है? 10.2। तो देख डिवाइड करके बताइए जल्दी से ये वैल्यू क्या आएगी। ये आ रही है आपके पास, जल्दी बताइए। तो ये लगभग 1210 या 1215 के समथिंग आ रही है। क्या यहां और यहां अप्रोक्सीमेट सेम आंसर आता है? हाँ, इतना एरर चलती है हमारे, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट चाहिए। तो यहां हमारे पास 1215 अगस्त हमारा, यहां पर भी 1200, लेकिन यहां आपके फास्ट आंसर आएगा इस जगह, कभी इससे फास्ट आएगा कभी इससे फास्ट आएगा। मैंने आपको दोनों बता दिया क्योंकि ये डिफरेंस आपको मालूम था, इसलिए आंसर आपको यहां फास्ट मिल गया। जब आपको डिफरेंस याद नहीं होगा, एनर्जी डिफरेंस, तो आपके लिए फिर यही वाला मेथड यूज करोगे आप। तो आपने क्या कैलकुलेट किया? फर्स्ट लाइन, जिसे आप अल्फा लाइन भी बोल सकते हो, जिसे मिनिमम एनर्जी लाइन, मैक्सिमम वेवलेंथ लाइन भी बोल सकते हो, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन कितना है? 1215। यानी आप मुझे बताएं, थोड़ा सा आइडिया बताएं, 1215 फर्स्ट लाइन हो गया, सेकेंड लाइन की वेवलेंथ इससे ज़्यादा होगी या कम होगी? कम होगी, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पर सेकेंड लाइन की एनर्जी इससे तो ज़्यादा होगी, कम तो होने से रही। तो अगला पॉइंट आपके लिए रहेगा यहीं पर बी पॉइंट, क्या रहेगा? सेकंड लाइमन लाइन, सेकंड लाइन जिसको आप क्या बोल सकते हो? बीटा लाइन ऑफ लाइमन, बीटा, अल्फा का मतलब 1 यानी 1, बीटा का मतलब 2 या सेकंड। तो कैसे करोगे आप? तो आपके पास दो फॉर्मूले हो जाएंगे, लैम्डा की वैल्यू, यहां लैम्डा ही कहलाता है, लैम्डा 2 नहीं, लैम्डा ही, रीड बर कॉन्स्टेंट ऑफ हाइड्रोजन ही हम लेते। तो यहां हमारे पास थोड़ा सा लेंथ ही हो रहा है, लेकिन मैं डायरेक्ट अगर इससे निकालूंगा तो मेरा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, 12400
डिफरेंस कितना है जल्दी से बताएं, यहाँ 3.4 था, यहाँ डिफरेंस कितना था, ये एनर्जी कितनी थी, ये आपको याद होगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन दोनों का डिफरेंस है 12.1। या सुनो, तो जब आप ये 12.1 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, एक 1024 अंगस्ट्रम। कितना जल्दी आंसर आ गया आपको, क्योंकि आपको एनर्जी डिफरेंस याद था, तो आपका काम जल्दी हो गया। तो आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्यूशन फर्स्ट, और अगर आपको फर्स्ट पसंद नहीं आ रहा तो सेकंड तो आपका तैयार है, जिसमें आप क्या करेंगे, एन वन स्क्वायर एन टू स्क्वायर रीडबर कॉन्स्टेंट जेड स्क्वायर एन टू स्क्वायर माइनस एन वन स्क्वायर। एन वन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, वन स्क्वायर 9, 1.1 इंटू 10 पावर 7, जेड की वैल्यू 1, और कुल मिला के एन टू स्क्वायर माइनस एन वन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 8। तो ये 8.8 हो जाएगा, जो कि 1.1 ही रह जाएगा लगभग, 1.1 से भी कम। तो कुल मिला के ये 12024 अंगस्ट्रम ही आ रही है अप्रॉक्सीमेट, मैं अप्रॉक्सीमेट करूंगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। आ गया समझ में, तो आप कोई भी मेथड यूज करो, आपका जल्दी वाला काम होना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए कब कौन सा जल्दी है। मुझे समझ में आ जाता है कि यार मेरे को एनर्जी गैप याद है, फटाफट कर लूंगा, नहीं याद है ये कर लूंगा मैं, बस आपको भी यही सोचना है। तो सेकंड लाइन आपने कर लिया, अच्छा थर्ड लाइन या लास्ट लाइन को देखते हैं, हम थर्ड को भी नहीं करते। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं सी नंबर का, फोर्थ लाइन ऑफ लाइमन, तो बताइए यहां मेरे को कौन सा अच्छा लगेगा, यहां मुझे नीचे वाला सेकंड ही अच्छा लगेगा। फोर लाइन के लिए एन वन की वैल्यू कितनी है, लाइमन लिखते ही वन हो गया, और एन टू की कितनी है, वन प्लस फोर। एन टू की वैल्यू हमेशा वन प्लस नंबर ऑफ लाइन, एन वन प्लस नंबर ऑफ लाइन, ये पॉइंट लिख लेना। तो वन प्लस नंबर ऑफ लाइन कितनी है, फोर्थ, यानी फाइव। फोर लाइन का मतलब फाइव से वन में जंप मारना। अब देखिए लैम्डा निकालना आसान है, एन वन स्क्वायर 1, एन टू स्क्वायर 25, रीडबर कॉन्स्टेंट 1.1 इंटू 10 पावर 7, जेड स्क्वायर हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर यानी 25 माइनस 1 कितना होता है, 24 अंगस्ट्रम। नहीं, अभी तो आपका आंसर आएगा मीटर में, बाद में अंगस्ट्रम में चेंज करना पड़ेगा आपको, तो कर सकते हैं आप। तो यहाँ आपके लिए बहुत आसान है ये वाला मेथड करना, न कि वो एनर्जी गैप, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं फिफ्थ नंबर के एनर्जी गैप्स की वैल्यूज मालूम हो, तब आप ये यूज़ करेंगे। चलिए बढ़िया, आपको समझ में आ गया मैं कब कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा लास्ट लाइन को मैं बोलता हूँ सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट, जहाँ सीरीज खत्म हो जाती है, लास्ट लाइन सीरीज लिमिट लाइन ऑफ लाइमन। यहां मेरे पास दोनों मेथड तैयार हैं, क्यों, क्योंकि एनर्जी गैप कितना होगा, यहां एनर्जी आप जानते हो कितना है, जीरो, कंफर्म है यहां तो जीरो ही होगा। तो डिफरेंस कितना है आपके पास, लैम्डा की वैल्यू आप जानते हो 12400 अपॉन डेल्टा ई आ जाएगा, और डिफरेंस कितना होगा, जीरो 13.6 का, 12400 13.6 डिवाइड करें आप, 911 या लमसम 910 अंगस्ट्रम के समथिंग आपके पास ये वैल्यू आएगी सीरीज लिमिट लाइन। और दूसरा मेथड भी आपके लिए तैयार है, लेकिन यहां पर आपको ये वाला मेथड लगा नहीं सकते आप, एन वन स्क्वायर एन टू स्क्वायर, आपको ये वाला ही लगाना पड़ेगा सीरीज लिमिट में, 1 अपॉन लैम्डा रीड बर कॉन्स्टेंट जेड स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर, जो कि जीरो हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू इस जगह हो जाएगी 1 अपॉन रीडबर कॉन्स्टेंट जेड स्क्वायर, यानी 1.1 × 10 पावर 7, जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 ही होती है, और यह आपके पास आ जाएगी, आप समझ ही सकते हैं, 0.9 × 10 पावर -7 मीटर।
क्योंकि 910 अंगस्ट्रम के बराबर है, 0.91 इंटू 10^-7 को अंगस्ट्रम में चेंज करा मैंने, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस जगह ये वाला मेथड फास्ट है लास्ट लाइन के लिए, तो आपको मैंने बता दिया अब कौन सा फास्ट है। एक और जगह आपके पास आ रहा है, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? कब हमें ये लगाना है, कब हमें वो लगाना है, इस चीज का क्लियरिफिकेशन हो गया आपके पास। इस जगह एक एग्जांपल है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सेकेंड एंड थर्ड लाइन, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ सेकेंड एंड थर्ड लाइन ऑफ लाइमन इन हाइड्रोजन। बाय डिफॉल्ट हम हाइड्रोजन ही ले रहे हैं अभी, क्या ले रहे हैं? हाइड्रोजन। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? मेरे ख्याल से इस जगह आपके लिए सबसे अच्छा है N1 N2। तो आप ही बताइए, ये मैंने ले लिया सेकेंड लाइन और यहां ले लिया थर्ड लाइन। सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन, यहां N1 की वैल्यू क्या रहेगी? 1, और N2 की वैल्यू क्या रहेगी? जल्दी से बोलो, सेकेंड लाइन के लिए 3, 1+3 1+2 कितना हुआ? 3। यहां बताइए N1 की वैल्यू क्या रहेगी थर्ड लाइन के लिए? 1+N2 की वैल्यू 4। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला आपका तैयार ही है। कौन सा फॉर्मूला? N1² यानी कि 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अपॉन रीड बार कॉन्स्टेंट, ये तो कटना ही है, Z²(1² कट जाएगा, और 9-1 कितना होता है? 8, डिवाइडेड बाय 1² 4² 16 हो गया, रीड बार कॉन्स्टेंट 1² और 16-1 कितना होता है? 15। 1² लिखने की जरूरत नहीं होती। अब आप आसानी से ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत आसानी से, 16 8 क्रॉस हो जाएगा, रीड बार कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो क्या कैलकुलेशन करना आसान है आपके लिए? हाँ, ये रेशियो निकाल के करना आपके लिए बहुत आसान है। ये जो रेशियो वाला कंसेप्ट है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये लास्ट लाइन के लिए नहीं लगेगा डायरेक्ट। लास्ट लाइन में क्या होता है? इनफाइनाइट हो जाता है N2 की वैल्यू, तो अनसिस्टमैटिक टर्म आएगी, नॉट डिफाइंड टर्म। तो फिर आपको तरीके से ही करना पड़ेगा, 1/λ वाला फॉर्मूला लिख लो नोट, कब लगेगा कब नहीं लगेगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करिए इसको, कि ये रेशियो निकालना हमारे लिए बहुत सही है, लेकिन अगर लास्ट लाइन दे रखी हो तो नहीं, तो कैसे करोगे लास्ट लाइन के लिए? फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा जा रहा है इसी के अंदर, ये सब इजी है, एग्जाम्पल दिया जा रहा है कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन। तो फिर हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, 1/λ से ही जाना पड़ेगा सॉल्यूशन करते हुए। कैसे जाएंगे? 1/λ फर्स्ट लाइन, रीड बार कॉन्स्टेंट Z² लास्ट लाइन ऑफ लाइमन ऑफ हाइड्रोजन, बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन ही चलने दो, वैसे भी कट जाता है जेड रेशियो में, 1/1² - 1/2² और लास्ट लाइन के लिए रीड बार कॉन्स्टेंट Z² 1/1² - 1/∞² और 1/∞ 0 होता है, ये सब कट जाएंगे। तो रेशियो निकालना बाएं हाथ का खेल है, आप बस थोड़ी सी मेहनत करेंगे। तो आपको निकालना क्या है? फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन पार्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप आराम से कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपके पास लाइन वन लाइंस का।
अब कुछ की पॉइंट्स जो निकल के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उन पे वर्क करते हैं। तो मैं इनको साफ कर रहा हूँ, आप की पॉइंट्स की तैयारी करिए। किसी को कुछ पूछना है इसमें? श्योर, अच्छी बात है। तो साउंड चेक करें, अच्छे से आनी चाहिए। अब की पॉइंट्स की बात हम कर रहे हैं। हेलो, तो ये हमारे पास की पॉइंट्स, हमारे पास क्या रहेंगे? फर्स्ट, रेंज ऑफ लाइमन लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अगर लाइंस देखते हैं तो कहां से स्टार्ट होगी? देखो, आपने देखा लास्ट लाइन कितनी थी आपकी? लास्ट लाइन मैंने निकाली थी यहां से यहां 910, और फर्स्ट थी आपकी लगभग 1215, ये वाली। तो 1215 और 910 के बीच में खत्म हो जाएगी। तो 910 इस तरफ आएगा, 910, और यहां आएगी आपके पास 1215 अंगस्ट्रम में। इसके बीच में आपको बहुत सारी लाइंस मिलेगी। ये तो फर्स्ट लाइन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ऐसी बहुत सारी लाइनें आपको दिखाई देगी, ठीक है? इनफाइनाइट लाइंस दिखाई देगी। ये फर्स्ट लाइन रहेगी, सॉरी, ये लास्ट लाइन है और ये फर्स्ट लाइन है। क्लियर है? जो की पॉइंट मेरे पास आ रहा है, क्या इनमें से कोई भी एक लैम्डा ऐसा दिखाई दे रहा है जो विजिबल में हो? नहीं। विजिबल रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 3.5 से 7.5 हजार। ये 3.5 से क्या है, लैम्डा कम है या ज्यादा है? कम है। तो ये सारी कहाँ जाएगी? अल्ट्रावायलेट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, नॉट ऑल लाइमन लाइन इन हाइड्रोजन आर अल्ट्रावायलेट। यानी यूवी, क्या बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? बोल सकता हूं। तो ये हमारे लिए नोट रहेगा, स्पेशल नोट, ऑल लाइमन लाइन इन हाइड्रोजन आर अल्ट्रावायलेट। क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? अगर यही में सेम पॉइंट लू, लेकिन हाइड्रोजन की जगह मैंने हीलियम लिख दिया, तो क्या होगा? यानी रेंज ऑफ लाइमन लाइंस इन हीलियम प्लस, हीलियम प्लस में भी एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम। तो आप मुझे बताइए कि हीलियम के अंदर क्या दिख रहा है? हीलियम के अंदर एक खास बात होगी कि एनर्जी डेल्टा ई 4 टाइम ज्यादा हो जाएगी। आपको मालूम है एनर्जी जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल चलती है, या सुनो, तो 4 टाइम्स एनर्जी ज्यादा होगी। तो 4 टाइम्स एनर्जी ज्यादा होगी, लैम्डा 4 टाइम्स क्या होगी? कम। समझ में आ रहा है? तो आपके पास स्पेक्ट्रम में क्या होगा, आप मुझे बताइए। 910 अंगस्ट्रम है, इसमें 4 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 910 अंगस्ट्रम में 4 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा आपके पास? 227। यहां से स्टार्ट होगी 227 अंगस्ट्रम। और अगर 12,000, सॉरी, 1215 में अगर आप 4 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 303 अंगस्ट्रम। तो बताइए, ये सारी लाइनें अल्ट्रावायलेट में है या नहीं है? ये भी अल्ट्रावायलेट में। तो ये इसकी फर्स्ट लाइन है, ये इसकी लास्ट, सॉरी, ये फर्स्ट है और ये लास्ट है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ऑल लाइमन इन हीलियम आर अल्ट्रावायलेट? बोल सकता हूँ ना? तो बस मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को समझें।
तो अगला की पॉइंट आपके पास हो जाएगा, और जो आप लिख सकते हो थर्ड पॉइंट यहां पर की पॉइंट के रूप में, क्या बनेगा की पॉइंट आपका? आपका की पॉइंट बनेगा यहां पर अगेन ऑल लाइमन लाइन ऑफ हीलियम प्लस आर ऑल्सो यूवी। एक और की पॉइंट आपका इंतजार कर रहा है, किन्हीं भी दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस डेल्टा ई की वैल्यू जो होती है वो होती है 13.6 जेड स्क्वायर 1/N1² माइनस 1/N2² होता है। ये अक्सर मैं यूज करूंगा, यानी एनर्जी डिफरेंस सेम शेल ले लिए जाए अलग अलग एटम के लिए तो जेड के रेशियो में चलेगा। कुछ समझ में आया बात? और लैम्डा उल्टा चलता है तो लैम्डा में जेड स्क्वायर का डिवाइड होगा, कोई डाउट नहीं है? श्योर, लॉक कर दें? आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई? तो मैं यहां पर ऐसा बोल सकता हूं, लैम्डा ध्यान से सुनना, क्या मैं लिखना चाहता हूं, अगर हम बात करें 2 से 1 फॉर हाइड्रोजन और लैम्डा 2 से 1 डिवाइड ही कर देता हूं मैं 2 से 1 हीलियम प्लस, तो बता सकते हो ये रेशियो क्या आएगा, 4:1 आएगा या 1:4 आएगा? जल्दी से बोलो। देखो लैम्डा और एनर्जी अपोजिट में चलती है, हाइड्रोजन के लिए एनर्जी कम है तो लैम्डा क्या होगा? ज्यादा होगा, एनर्जी कम है। हाइड्रोजन के लिए लैम्डा देखो वैसे भी दिख रहा है 910, ज्यादा था, इसके लिए कम है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ना सीखो आप, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके काम आएंगे स्पीड तेज करने में। लिख लो, हमें बामर, क्या नाम है? बामर सीरीज, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फंड हैम्फ्री, हम इस तरह से करते हैं। तो ये देखो बामर जो सीरीज है वो ये बताती है इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जम मारे लेकिन कहां पर जाए, सेकंड। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जम फ्रॉम एनी शेल को ऑर्बिट भी बोलते हैं, एनी ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट देन जनरेटेड सीरीज कॉल्ड बामर। तो हम उसको क्या बोलेंगे? बामर। कहीं से भी जम मारे लेकिन मारना कहां है? एन इक्वल टू 2 में, सही है। एन इक्वल टू 2 की एनर्जी कितनी है आप बता सकते हैं? हाइड्रोजन के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। या आप एक काम करिए, आपकी आदत है आप 1 से लिखना चाहते हैं 1 से लिख दो, लेकिन यहां जम नहीं गिराना अपन को, यहां एनर्जी कितनी हो जाएगी? एनर्जी -13.6, हम बात कर रहे हैं n इक्वल टू 2 में -3.4। अब 3 हमारे पास ये आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, और ऐसे करते 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 हमारे लिए इनफाइनाइट आ सकता है।
फोर फाइव सिक्स और अप टू इनफाइनाइट। तो देखिए मुझे ये बताइए ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, फर्स्ट या लास्ट? लास्ट ये कहलाएगी, इसके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और वो लास्ट। यहां एनर्जी कितनी है? जीरो। ये इस जगह एनर्जी कितनी है आपके पास? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डिफरेंस कितना आएगा आपके पास? डेल्टा ई कितना आ रहा है जल्दी से देखो, ये डिफरेंस आ रहा है आपके पास 4 है 1। लमसम ये ना ना करते हुए भी आपके पास कितना आ रहा है जल्दी से बताएं? 1.9। दोनों का डिफरेंस 3.4 -1.5। तो ये आपके पास, अगर आपसे कहा जाए यहां लैम्डा निकालना है तो आप बहुत आसानी से 12400 डिवाइडेड बाय डेल्टा ई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन तरीके से अगर हम बात करें पॉइंट वाइज, तो हम क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ ऑफ लैम्डा फॉर बामर सीरीज, आपका फॉर्मूला हमेशा यही रहता है, रीड बर कॉन्स्टेंट जेड स्क्वायर 1/ n1² -1/ n2² n1 की वैल्यू आपके पास रहती है यहां पर, n1 की वैल्यू क्या रहती है? 2। और n2 की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास यहां पर? n2 की वैल्यू आपके पास रहेगी यहां पर कुछ भी हो सकती है, 3 4 5 6 कुछ भी। अब लैम्डा के लिए ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, रीड बर्क n1² n2² अपॉन रीड बर्क कॉन्स्टेंट z² n2² -n1² बोलो समझ में आ रही है बात? तो ये आपके पास छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं फाइंड या कैलकुलेट कैलकुलेट लैम्डा ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर ऑफ हाइड्रोजन, तो आपके लिए हो जाएगा फॉर्मूला ये तैयार है, सॉल्यूशन फर्स्ट जो आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं लैम्डा फर्स्ट लाइन यानी 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, n1 की वैल्यू तो 2 है ही, n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। 1.1 × 10^7 जेड स्क्वायर हाइड्रोजन है 1, 9 - 4 कितना होता है? 5। पक्का कर सकते हैं आप? नेक्स्ट, ये तो रहा आपके लिए फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड आपका क्या रहेगा कि आप इन दोनों का डिफरेंस एनर्जी बताएं और आराम से कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू 12400 अपॉन 1. कितने का डिफरेंस आ रहा था? 9। ये डायरेक्ट आपको अंगस्ट्रम में आंसर देगा। तो दोनों ही मेथड आपके लिए बेस्ट हैं, आप यूज करें। ये 6526 अंगस्ट्रम पक्का, यानी ये आपने कौन सा निकाला? फर्स्ट लाइन। अगर मैं आपसे यहां पूछता लास्ट लाइन निकालना, द वैल्यू ऑफ लैम्डा, द वैल्यू ऑफ लैम्डा ऑफ लास्ट लाइन ऑफ लास्ट लाइन, तो आप आराम से यही फॉर्मूला लगाएंगे, आपको ज्यादा फास्ट रहेगा और वो रहेगा लैम्डा की वैल्यू 12400 डिवाइडेड बाय डेल्टा ई, और डेल्टा ई की वैल्यू आप इस जगह बहुत अच्छे से जानते हो, 12400 कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस कितना है इस जगह, और वो है 3.4।
डिवाइड करा, आपके पास आया 3647 एंगस्ट्रॉम। तो अब आपके कुछ की पॉइंट्स आपका इंतजार करेंगे यहाँ पर भी। अगर आप इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं, किसका? बामर सीरीज का। तो सबसे कम लैम्डा कितना आया आपके पास? 3647 एंगस्ट्रॉम। और सबसे लास्ट लैम्डा कितना आ रहा है? 6526 एंगस्ट्रॉम। बोलो क्लियर है? हाइड्रोजन के लिए बीच में बहुत सारी लाइंस होंगी, ये कहलाएगी फर्स्ट, ये कहलाएगी लास्ट। फर्स्ट, क्या ये सारी रेंज 3500 से लेकर 7500 अंगस्ट्रम के बीच में? हाँ, कोई बाहर तो नहीं जा रही। और ये कौन सा कहलाता है 3500 से 7500? विजिबल। तो मैं यहां पर पॉइंट लिख सकता हूं, नॉट लिख सकता हूं एक, ऑल बामर सीरीज, बामर सीरीज लाइन इन हाइड्रोजन आर विजिबल। तो आपको ताजुब नहीं होगा, बिल्कुल सही है। विजिबल होगी या नहीं होगी? होगी। तो ये तो रहा एक की पॉइंट, सिर्फ एक। आप ये बताइए दूसरा की पॉइंट आपके लिए क्या रहेगा? दूसरा की पॉइंट होगा आपके पास, ये कौन सी लाइन थी? लाइमन। तो लाइमन और बामन में कोई भी लाइन मर्ज हुई क्या? नहीं, उनके बीच में अच्छा खासा गैप है, क्योंकि ये चालू होती है आपको मालूम है 910 से लेके 1000, मतलब 1200 अंगस्ट्रम, जबकि ये बिल्कुल अलग है, अल्ट्रा वायलेट है, बीच में कोई भी गैप नहीं है। क्लियर है? तो इसका मतलब लाइमन और बामर कहीं पे भी मर्ज नहीं होगी। तो लिखिए लाइमन एंड बामर नॉट मर्ज टू ईच अदर। इसी के साथ कह रहे हैं कि क्या कोई भी मर्ज हो रही है? नहीं। तो आप ये बोल सकते हो ऑल लाइमन एंड बामर लाइन आर सेपरेटेड, यानी नॉट मर्ज्ड, ये की पॉइंट हो गया। लेकिन अगर मैं यहां पर बामर स्पेक्ट्रम की बात करूं, किसकी? बामर सीरीज इन हीलियम प्लस। हीलियम प्लस के अंदर अगर हम बात करें तो हीलियम के लिए आप समझ सकते हैं ये लाइंस कुछ इस तरह से आएगी, और हर एक लैम्डा अपने वैल्यू से कितना ज्यादा बढ़ जाएगा? जेड स्क्वायर टाइम, यानी 4 टाइम्स। तो जब आप 4 टाइम्स इसको करेंगे, डिवाइड करेंगे, बढ़ेगा नहीं कम होगा? 4647 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है? और 96526 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाय 4, ये वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी से बताएं। दोनों वैल्यू आपको लगभग लगभग आराम से बात कर सकते हैं 91 लमसम 2 एंगस्ट्रम के आसपास आ रही है। बोलो यस और नो? और ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही आ रही है। कितने नहीं आ रही है? 4 से डिवाइड करोगे लगभग 1200 एंगस्ट्रम के आसपास आएगी। मैं बहुत ज़्यादा मोटी मोटी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये हाँ कितना आ रहा है? 1620 जो भी आ रहा है आपके पास। तो आप मेरे को बस यहाँ पर 1620 भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताओ 1600 के आसपास कि क्या आपके पास ये सारी विजिबल में है या अल्ट्रा वायलेट में? अल्ट्रा वायलेट। तो क्या बामर सीरीज अल्ट्रा वायलेट में हो सकती है? हाँ, शर्त है हीलियम के लिए। साउंड क्लियर है? तो मैं ये बोल सकता हूं ऑल बामर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस आर विजिबल और अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। तो समझ में आ गया आपको कंसेप्ट मेरा क्या कहना होता है? तो मैं यही चीज आपके पास बता रहा हूं, लाइमन बामर पाचन, फिर इसी तरह से फंड हैम्फ्री भी चलेगा। तो आपने अभी तक मेरे से 2 सीरीज पढ़ी है। क्लियर है कंसेप्ट अच्छे से? अगर आपको लाइमन का मालूम है और बामर का पता करना है तो आप सिर्फ 4 का डिवाइड करें, हीलियम के लिए पता करना है, हाइड्रोजन का मालूम है तो 4 का डिवाइड करें, लिथियम के लिए पता करना है तो किसका डिवाइड करेंगे? 9 का। तो बताइए लिथियम के लिए बामर सीरीज क्या होगी? अल्ट्रा वायलेट। एक बार अल्ट्रा वायलेट बन गया तो सबके लिए क्या रहेगा? अल्ट्रा वायलेट। पक्का? यस और नो?
तो यहाँ अल्ट्रा वायलेट आएगा, या फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया तो एक्सरेस में आपको देखने को मिलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको आइडिया होना चाहिए। अब अगला क्या होगा, लाइमन बामर पाशन पाशन सीरीज। पाशन सीरीज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी एनर्जी लेवल टू थर्ड शेल। इलेक्ट्रॉन जल्दी से लिख लीजिए आप, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट देन जनरेट सीरीज। कॉल्ड पाश्चन सीरीज। तो हम उसको क्या बोलेंगे, पाश्चन सीरीज बोलेंगे। और उसके अंदर भी आप बहुत आसानी से बोल सकते हो ये एन इक्वल टू वन, ये एन इक्वल टू टू, इससे मतलब ही नहीं है। अब थ्री से चालू हो जाओ, एन इक्वल टू थ्री फोर फाइव और इनफाइनाइट, तो ये कहलाएगी इसकी लास्ट लाइन इस तरह से। तो ये कहलाएगी फर्स्ट, ये कहलाएगी लास्ट, पक्का। तो आपके लिए वन अपॉन लैम्डा का फॉर्मूला क्या होगा फॉर पाशन। रीडबल कांस्टेंट जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर, और एन वन की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी यहाँ पर थ्री, और एन टू की वैल्यू क्या रहेगी फोर फाइव सिक्स, कुछ भी आगे बड़ी वैल्यू। ये हो गया आपके पास पाशन सीरीज। अच्छी बात क्या है, पाशन सीरीज की फर्स्ट लाइन क्या होगी, लैम्डा ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पाशन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यही वाला, इसको मॉडिफाइड फॉर्मेट में लिख सकते हो, चाहो तो ये लगा लो या चाहो तो एनर्जी गैप से भी कर सकते हो, लेकिन लेंथ ही पड़ जाएगा एनर्जी के लिए। तो मैं आपके साथ हूं, मैं यही यही लगाऊंगा इस जगह, लैम्डा फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हो रहा है, फोर से थर्ड में जंप करना, फोर से फर्स्ट। तो ये एन इक्वल टू वन था, टू था, ये थ्री है, ठीक है, ये न्यूक्लियस वाली लाइन हो गई। तो फोर से थर्ड में जंप मार रहा है, ये हमारे लिए फर्स्ट लाइन हो गई। तो एन वन स्क्वायर यानी देखा जाए तो थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर, रीडबर कॉन्स्टेंट 1.1 इंटू 10 पावर 7, हाइड्रोजन के लिए वन का स्क्वायर वन और दोनों का स्क्वायर आप ही बताइए 16 माइनस 9 कितना होगा एट, फॉर्मूला तैयार है। तो ये कितनी वैल्यू आएगी जल्दी से बताएं, 9 मल्टीप्लाई बाय ये 16, ये कट जाएगा टू टाइम्स, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1.1। हाँ बेटा, अच्छा 16 माइनस 9 7 रहेगा और हमने वही नहीं लिखा, तो ये आप कैलकुलेशंस करके बताएं ये 16 ही रहेगा। तो ये जल्दी से कैलकुलेट करें और ये वैल्यू आएगी 7.7, 9 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 7.7, ये ऊपर चला जाएगा 10 पावर माइनस 7 मीटर आएगा। तो ये मेरे हिसाब से 20 लगभग 22। एक काम करें, इसको थोड़ा सा 000 और कर दें,
इंटू 10^-10 मीटर कर दें तो 22,000 अंगस्ट्रम वैल्यू आएगी। आप मुझे बताओ 22,000 अंगस्ट्रम वैल्यू कम है या ज्यादा है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। यानी ये कहाँ जाएगी, विजिबल या इंफ्रारेड? इंफ्रारेड। तो ये इंफ्रारेड रहेगी, मुझे लगा ये इंफ्रारेड है, ये शायद विजिबल में आ जाए। तो क्या आप बता सकते हो इसके लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए तो डायरेक्ट आपको मालूम है यहाँ एनर्जी कितनी थी, यहाँ थी आपकी -1.51। तो बता सकते हो ये लैम्डा कितना होगा? 12,400 / 1.51 कितना होगा? ये बताएं जल्दी से, ये कहलाएगी लास्ट लाइन। तो कितना आ रहा है ये? हाँ जी, 8211। तो 8211 यानी अगर हम बी बात करें, लास्ट लाइन ऑफ पाश्चन ऑफ हाइड्रोजन, तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 12,400/∆E वाला फॉर्मूला आपके लिए ज्यादा सुइटेबल है इस जगह। तो ये आपके पास आ जाएगा 1.51, अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा आपके पास 8211, और ये भी इंफ्रारेड में है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ऑल लाइंस ऑफ पाश्चन फॉर हाइड्रोजन आर इंफ्रारेड? तो अभी तक कभी मर्जिंग हुई क्या? नहीं हुई। आप देखो, अगर रिजल्ट देखना चाहते हो, लाइमन इस तरफ है, फिर बामर आता है आपके पास जो कि विजिबल है, फिर इंफ्रारेड आता है आपके पास, कौन सा? पाश्चन। तो एक तरह से गैप आपके पास रहेगा, ये आपके पास लाइमन, बामर, पाश्चन। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? लेकिन इसके बाद मर्जिंग चालू हो जाती है, अभी तक नहीं हुई थी लेकिन इसके बाद हो जाएगी। हो जाने दो, हमें उससे मतलब ही नहीं है। लेकिन एक खास बात थी, ये अल्ट्रावायलेट थी, ये विजिबल थी, ये इंफ्रारेड है, और इसके बाद जो भी सीरीज आएगी वो हमें ऐसे ही पढ़ना है, वो आएगी आपके पास। अब आप लिख सकते हैं, आपको अलग से नहीं पढ़ाना की जरूरत है। लाइमन, बामर, पाषाण, ब्रैकेट, और अब ये मर्ज होने लग गई। ब्रैकेट एक काम और करें, मैं मर्ज कर देता हूं, इसको ब्रैकेट बोल रहा हूं मैं। तो इसको मैंने बोल दिया, ये मर्ज होने लग गई एक दूसरे में, और इसको मैंने बोल दिया लाइमन, बामर, पाषाण, ब्रैकेट, फंड, PFUND, और फिर उसके बाद ये मर्जिंग चालू हो गई, और लास्ट जो गैप बनेगा वो बनेगा हैम्फ्री। हैम्फ्री तो आपके पास अलग अलग जगह अलग अलग है, और सबसे अच्छी बात क्या है, इसके बाद आपकी मर्जिंग चालू हो गई, यानी एक स्पेक्ट्रम लाइन दूसरे स्पेक्ट्रम लाइन में मर्ज होने लगे, जबकि शुरुआत की तीनों आपकी मर्ज नहीं थी हाइड्रोजन में, थी क्या? नहीं थी। बोलो क्लियर है? तो इसकी लास्ट लाइन किसकी, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन। अब की पॉइंट ध्यान से सुना, और सॉरी, ये कौन लास्ट कौन सी है, ये या ये? इस तरफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन और लास्ट लाइन ऑफ बामर, कौन ज्यादा एनर्जेटिक है? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। तो मैं आपके पास कुछ बहुत अच्छे अच्छे रिलेशंस बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट रिलेशंस, आपको भी अच्छे लगेंगे। लैम्डा फर्स्ट यानी 2 से 1, और लैम्डा इनफाइनाइट से 2 में जंप मार रहा है। किसकी एनर्जी ज्यादा है? इस वाले की एनर्जी ज्यादा है, तो लैम्डा क्या होगा? कम। वैसे भी इस तरफ जा रहे हैं तो हमारे लिए लैम्डा बढ़ रहा है। अब देखो इसके लैम्डा कम है 2 से 1 के लिए, और इसके लिए लास्ट इनफाइनाइट से जा रहा है,
इनफाइनाइट और ये टू, टू से वन और इनफाइनाइट से दिस, क्या मैंने सही लिखा है? आ रही है बात समझ में? तो क्या मैं ऐसे लिख दूं मैं, और थ्री से टू, सिर्फ थ्री से टू, थ्री से टू, ये एन इक्वल टू वन और एन इक्वल टू टू, थ्री से टू में जब मारा, ये छोटा है इनफाइनाइट से थ्री में जब मारने पे। डायग्राम को समझो आप, थ्री से टू और ये इनफाइनाइट से थ्री, लेकिन ये चीज बाद में नहीं लगेगी क्योंकि मर्जिंग चालू हो चुकी है। कोई दिक्कत आ रही है समझने में? तो बस आप इसी को समझिए कि ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं आपके। और अगर लैम्डा के लिए मैं बोल रहा हूँ तो एनर्जी के लिए भी बोल सकता हूँ, एनर्जी का रेशियो उल्टा होता है लैम्डा से, फ्रीक्वेंसी का रेशियो उल्टा है लैम्डा से उल्टा। एनर्जी डेल्टा ई थ्री से, सॉरी टू से वन में, टू से वन, ये गलतियां जनरली बच्चों से हो जाती है, इसको आप ध्यान से समझें। आ गया समझ में? पक्का? तो मेरा टारगेट यही था। क्या ये चीज मैं बाद में भी लिख सकता हूं? क्या, किस जगह? जैसे मैंने लिख दिया लैम्डा फाइव से फोर और लैम्डा इनफाइनाइट से फाइव, कौन बड़ा होगा? जनरली ये बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहां मर्जिंग चालू हो चुकी है, यहां ऐसा नहीं है। क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अंदर तक दिमाग में घुसा के चलनी पड़ती है। ये मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए लिखा है, समझ में आ रहा है? फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हेडिंग डाल लेना पूरा पॉइंट्स, फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? लिखें इसको। तो नेक्स्ट एसएल थ्योरी, एसएल थ्योरी said that that is hydrogen helium plus lithium plus 2 beryllium plus 3. Look here, the transition in 2 to 1, look here, is equal to 4 to 2 is equal to 3 multiply by 3, 6 to 3 is equal to 8 to 4, means directly multiply by the value of Z. Yes or no? So now lambda 3 to 2 is equal to multiply by Z equal to 2. So what the value? 6 to z equal to 3, 12 to 9 concepts, यानी ये है कि इसकी ये कौन सी है, लाइमन, तो इसके लिए कौन सी कहलाई गई है? बामर, सही है, दैट इज बामर। सो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, अननोन नेम, ओके। सो सपोज दैट इज विजिबल और अल्ट्रावायलेट, विजिबल, सो इट मींस इट सेम लैम्डा, विजिबल, लैम्डा सेम है मींस विजिबल, लैम्डा सेम है इट मींस बोथ आर विजिबल, ऐसा थोड़ी ना है। और ये तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं, हैम्फ्री सीरीज ऑफ लिथियम प्लस टू इज विजिबल, हैम्फ्री सीरीज ऑफ लिथियम प्लस टू इज विजिबल, क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि आपने एसएल थ्योरी पढ़ी है। By SL theory,
लाइमन, नॉट लाइमन, बामर ऑफ हाइड्रोजन ब्रैकेट ऑफ हीलियम हैम्फ्री ऑफ लिथियम प्लस टू आर विजिबल। दूसरा, अभी तो देखे जाओ आप पॉइंट। दूसरा, सेकंड, क्या ऐसा बोल सकते हो कि हाइड्रोजन की कोई भी वेवलेंथ, भले कोई भी ट्रांजिशन हो, हीलियम में मिलेगा आपको? हाँ, आप लिखो तो सर, सिर्फ टू से ही तो मल्टीप्लाई करना है। यस और नो? सो ऑल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइंस आर प्रेजेंट इन, ऑल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइंस आर प्रेजेंट इन हीलियम प्लस, सही है? लेकिन हीलियम के जितने भी हैं उनको टू से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब वो नहीं मिलेगा। जैसे हीलियम के अंदर अगर सपोज सिक्स से टू का ट्रांजिशन है, हाइड्रोजन में मिलेगा? हाँ। लेकिन अगर थ्री से टू का है, हाइड्रोजन में मिलेगा? नहीं। बट ओनली दोज ट्रांजिशंस, ओनली दोज ट्रांजिशन ऑफ ट्रांजिशन ऑफ हीलियम प्लस आयन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन विच कैन बी डिवाइड बाय टू। इन विच कैन डिवाइडेड बाय टू और इवन नंबर ट्रांजिशन, ओनली इवन नंबर, इवन ऑर्बिट ट्रांजिशंस ऑफ हीलियम प्लस आयन इन दिस, शॉर्ट में लिख दिया, इवन नंबर, फोर से टू, सिक्स से फोर, अगेन एक और पॉइंट एसएल थ्योरी का। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है, मैच द कॉलम नॉट एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप। ए लैम्डा टू से थ्री टू टू इन हाइड्रोजन इज इक्वल टू लैम्डा सिक्स से फोर हीलियम। बी लैम्डा सिक्स से थ्री इन लिथियम प्लस टू इज इक्वल टू लैम्डा फोर से टू। सी लैम्डा हीलियम प्लस लैम्डा फोर टू टू हीलियम प्लस इज इक्वल टू लैम्डा थ्री टू वन हीलियम लिथियम प्लस। मोर देन वन मे बी करेक्ट, लैम्डा एट टू फोर बेरिलियम प्लस थ्री इक्वल टू लैम्डा फोर टू टू हीलियम प्लस। बताइए कौन सा आंसर होगा?
ए बी